आज देखो वो जो टैमरिंड वाली जो एक्सरसाइज है वही हमको कंटिन्यू करनी है आगे, ठीक है। अमिनी इज अरेंजिंग 12 टैमरिंड सीड्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स, ट्राई टू मेक मोर रेक्टेंगल्स लाइक दिस यूजिंग 12 टैमरिंड सीड्स, हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन यू मेक। अब देखो ये जो पूरा ग्रिड है हमारे पास, ठीक है, ये पूरा ग्रिड है, ये ग्रिड में हमने एक रेक्टेंगल बना हुआ है, कितने बॉक्सेस कवर किए हैं इसने, 12, ठीक है। कितने बाई कितने का है ये पूरा ग्रिड हमारा, पूरा रेक्टेंगल 2x6x2 या 2x6, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि आपको इससे और रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ठीक है, और रेक्टेंगल्स बनाने हैं, और कितने के बन सकते हैं इससे, एक तो 6x2 का बन गया, एक 1x12 का बन सकता है, वेरी गुड, 1x12 का बन सकता है, मतलब एक पूरी रो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इतना पूरा कवर हो जाएगा। एक तो ये बन गया 1x12 का, और 1x12 का हो सकता है या 12x1 का भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे में भी हम 12 ले सकते हैं, ठीक है। एक पूरा कॉलम ले लेंगे हम, और 12 क्या लेंगे रोज। अब एक तो ये है ही 2x6 का, एक 2x6 का हो गया हम, और 3x4, 3x4 का मतलब क्या है, 3 और ऐसे में हो गया पूरा 12, ठीक है। 4x3 भी हो सकता है, 4x3 या 3x4 तो एक ही है, ठीक है। अब जब हम ये तो हमने बोला क्या, ये हमारा 3x4, 4x3 होगा तो फिर कैसे लेंगे हम, ऐसे में ना, ये तो वही वाला हो गया, ये ठीक है, ये हो गया आपको 4x3, क्लियर है। वैसे 1x12 है तो 12x1 ऐसे में हो जाएगा, वैसे ही अभी ये 2x6 है वैसे में 6x2 ऐसे में हो जाएगा। इफ़ देयर आर 15 टैमरिंड सीड्स हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन यू मेक। अब वो बोल रहे हैं अगर आपके पास 15 हो बीज, 15 के लिए किस का बनेगा, 5 दिया, वेरी गुड, कितना, 5 दिया, 1, 2, 3, 4, 5 और 3, 15, 3, 5, एक तो 3x5 का हो गया, 15 के लिए कितना का हो गया, 15 के लिए एक तो 3x5 का हो गया, एक 5x3 का हो गया, और 1x15 का हो गया, 15 एक साथ ले लेंगे और एक पूरी रो, यही तो है, क्लियर है। इसके अलावा कोई और हो सकता है, नो, क्योंकि 15 और किसी के पहाड़े में कहीं पे भी आता नहीं है, या वो 15 के पहाड़े में आता है, या 3 के पहाड़े में आता है, या 5 के पहाड़े में आता है। इन द ग्रिड हेयर ए रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेज इज ड्रॉन, द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 बॉक्सेज, व्हाट इज इट्स लेंथ। अब वो बोल रहे हैं ये जो रेक्टेंगल बना हुआ था इसकी विड्थ है 2, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ 6। कलर ए रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेज इन सम अदर वे, वो तो हमने बना लिया, ये वाला 20 का है हमारा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो 12 का था, 20 का ये वाला है, ठीक है। कलर ए रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेज इन सम अदर वे, ये है 20 का हमारा, yes, कितने का था, 15 का है, 20 का बनाना है हमने, 20 में कितने का बनेगा, 20 का बनाओ, हाँ बोलो बोलो कितने का बनेगा 20 के लिए, 5x4, हाँ 10x2 का बन सकता है, 5x4 का बन सकता है, 2x10 का बन सकता है, 5x4 का बना लेते हैं, 3, 4, 5, ठीक हो गया, yes। कितने हैं इसमें बॉक्सेज, 20, ठीक है, क्लियर है, yes। अब देखो व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यू कलर्ड। अब वो बोल रहे हैं जो आपने रेक्टेंगल अभी हमने कलर किया है इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ बताओ इसकी, लेंथ ऐसे में ये लेंथ कितनी है, 2, 3, 4, 5, लेंथ है हमारी कितनी, 5, और विड्थ 4, ठीक है, 10x2 का बना सकते थे हम, 2x10 का बना सकते थे। इन हाउ मेनी वेज कैन यू कलर अ रेक्टेंगल ऑफ 20 बॉक्सेस, कलर देम ऑल इन द ग्रिड एंड राइट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ईच रेक्टेंगल कैन यू यू हैव कलर्ड, ठीक है। एक तो हमने 5x4 का बना लिया, एक हम क्या बना सकते हैं 20 के लिए, 5x4 का बन गया एक, या 4x5 का बन सकता है, और 10x2 या 2x10 या 20x1 या 1x20, ठीक है, इतने ही हो सकते हैं। मतलब जब भी हमने कोई ऐसा कोई सम है जो सॉल्व करना है तो उसके लिए हमको क्या देखना है कि वो कौन कौन सी टेप की टेबल में आता है। जैसे ही आप टेबल आपको पता चल जाएगा वैसे ही आपके पास आंसर्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या होते रहेंगे, आते रहेंगे आपके पास, क्लियर है। यस सर।